हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम टिंडा की सब्जी बनाने जा रहे हैं और उसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज डाल दिया, तेल पहले डाला था फिर प्याज डाल दिया काट के, और हरी मिर्च 5-6 डालेंगे अभी काट के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले तेल डाल दिया था और तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो गया तो हमने प्याज डाला। प्याज डालने के बाद अब 5-6 हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5-6 मिर्च ले लिया और इसको काट लेंगे एक प्लेट में। अब डालेंगे इसे, एक इकट्ठा डालने से तड़कता नहीं है, नहीं तो मतलब छटक जाता है। हाँ, ये तड़कता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आंसू आ गया, कुछ कह रहे हैं इससे। घर पे रहते ना तो शैतानी ही होती रहती है। ये फ्रेंड्स, हम रात में खाना बना रहे हैं, रात का खाना है। ये देखिए, हमने हल्दी डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी डाला हमने, और इसमें धनिया भी डाला था 1 चम्मच, और 1 चम्मच पैकेट का मसाला डाला है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डाल रहे हैं। आज टिंडा और आलू, क्योंकि टिंडा में आलू इसलिए डाल रहे हैं कि टिंडा में मसाला जो पड़ता है वो हल्का पड़ता है, जूस इसका हल्का होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज। आप तो टिंडा की सब्जी में फ्रेंड्स, आप दो प्याज लीजिए, एक को तड़के में डाल दीजिए। हाँ, और एक प्याज अब सब्जी के साथ काट के डालिए। देखिए, हाँ, तो दूसरा प्याज हमने देखिए अभी डाला है, और इसके बाद हमने आलू और टिंडा डाल दिया। हाँ, इसमें वो मत डालिए। हाँ, एक प्याज को भून लीजिए अच्छी तरह, प्याज मिर्चा लहसुन जो भी भूनना हो तड़के में डालिए, और एक प्याज को ऐसे ही काट के डालिए। सब्जी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। और टिंडे की सब्जी में फ्रेंड्स, मसाला थोड़ा हल्का पड़ता है ना, जूस इसका पतला होता, तो इसलिए इसमें हमने एक आलू डाल दिया, तो वो आलू जो है वो फूट के और जूस जो है वो गाढ़ा भी हो जाएगा, फूट जाएगा जब, और बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम ये देखिए पानी डाल रहे हैं, दो डोलची डाले हैं। अगर आलू नहीं डालते ना फ्रेंड्स तो पतला रहता, तो उतना अच्छा सब्जी नहीं होता, टेस्ट भी नहीं आता, और सब्जी भी पतली पतली रहती। हमने एक आलू डाल दिया है, एक नहीं दो आलू डाला। हाँ, एक आलू फूट जाएगा, एक आलू रहेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिया, एक छोटा काट दिया, तो वो जूस में हो जाएगा, फूट जाएगा और अच्छी तरह जूस हो जाएगा गाढ़ा, और बढ़िया खाने में भी हो जाएगा। और एक जो बड़ा बड़ा आलू काटा तो वो दिखाई पड़ेगा, जब सब्जी निकालेंगे तो आंसू को देंगे, क्योंकि आंसू आलू की सब्जी ज़्यादा खाता पसंद करता है। ये फ्रेंड्स, हम रात में आलू और टिंडे की सब्जी, टिंडा की और रोटी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 2 तरह का आटा सनता है, देखिए, एक आटा गेहूं का और एक आटा जौ का। हमारे पापा आए हैं ना, तो पापा हमारे जौ की रोटी खाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जौ और वो चना मिला हुआ है, इसका आटा है। हम और मेरे पापा जौ की रोटी खाएंगे, जौ और चने की, और सब लोग गेहूं की रोटी। जिसको भी खाना हो कोई मना नहीं है, लेकिन सब लोग गेहूं की रोटी पसंद करते हैं। जैसे आंसू के पापा और मेरी मम्मी, ये लोग गेहूं की रोटी खाएंगे, क्योंकि गेहूं की रोटी सॉफ्ट होती है ना, मुलायम, और जौ की थोड़ी सी वो होती है टाइट, कड़ी होती है, मतलब उतनी मुलायम सॉफ्ट नहीं रहती, खाने में भी और देखने में भी दोनों। और जो गेहूं की रोटी रहती है, आटा रहता है, वो बहुत मुलायम होता है साफ। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है खाने में, लेकिन हम और मेरे पापा तो जौ की रोटी खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, पहली रोटी गाय के लिए, फिर इसके बाद रोटी बनाएंगे। गाय को डेली रोटी देते हैं, एक रोटी, पहली रोटी। हाँ,
कुत्ते को तो ऐसे दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हाँ लोग कहते हैं लास्ट में रोटी बनाओ, कुत्ते जो रोटी रहती है दे देते हैं कुत्ते को, लेकिन पहली रोटी तो गाय के लिए निकालते हैं जरूर। उस साइड में फ्रेंड्स हमारी सब्जी उब्जी हमने छौंक दिया था, फ्राई कर दिया था, तो उस साइड में हमारे हमने कुकर कर दिया तो सब्जी हमारी हो गई। देखिए फ्रेंड्स कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको तो अच्छी लग रही है। देखिए जूस हमारा, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स आपको कैसी लग रही है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ये रोटी देखिए फ्रेंड्स, जो की रोटी रहती है उतनी मतलब मुलायम नहीं और देखने में भी उतनी अच्छी नहीं रहती। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, देखिए ये तो गेहूं की रोटी है, बिल्कुल गोल बनती है। हाँ फ्रेंड्स, और ये देखिए सब्जी निकालने जा रहे हैं, सबके लिए खाना लगाने जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, जौ की रोटी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो पलटा है ना, तो पलटे से जूस की सब्जी अच्छी नहीं निकलती, तभी हम चेंज कर देंगे। ये देखिए, और करछू से निकालने पे सब सब्जी बराबर आती है, जूस भी उसका आता है और सब्जी भी, जो देखने में भी और खाने में भी। एक कटोरा हमने दो बार निकाली, हाँ कटोरा हो जाता, और पलटे से नहीं सही रहता है जूस वाली सब्जी निकालने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम पापा की देखिए रोटी इतनी अच्छी नहीं रहती है जौ की, और जौ की रोटी हटा दें तो फिर गेहूं की रोटी देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी होती है, मुलायम होता है, सॉफ्ट रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स खाना हमारा कैसा लग रहा है आपको। आज हमने रोटी सब्जी बनाया, ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी कैसी लग रही है आपको देखने में, आप लोग कमेंट करके बताइए। रोटी तो जो की है ना, इसलिए ऊपर गोल नहीं बनी है, उतनी अच्छी नहीं लग रही देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी थाली, ये सलाद है फ्रेंड्स देखिए।